एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी की सारी तैयारी हो चुकी है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आप लोगों को मंदिर भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमने गोपाल जी का मंदिर सजाया है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आज मेरा फास्ट है, मेरे बेटे का फास्ट है, तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। झटपट से खाना बना कर तैयार कर लेती हूँ और जो है जो भी काम है वो फटाफट से सारे ख़त्म करकर फिर देखो, शायद बच्चे जाएंगे घूमने के लिए, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी। मुझे घर में ही काम बहुत सारा हो जाता है और फिर मुझे वीडियोस का भी काम बहुत हो जाता है, तो मैं नहीं जाऊँगी। तो मैं फटाफट से सारा काम कर लेती हूँ, आप लोगों को मंदिर दिखाती हूँ। मैं आप लोग मंदिर ज़रूर देखिए, मंदिर बहुत प्यारा सजाया है हमारा। तो चलिए ना, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने ये मंदिर सजाया है। हम चारों ने मिलकर सजाया था, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और मैंने। तो इसकी जो वीडियो है मैंने पहले आपको डाली है, इससे पहले वाली जो वीडियो है वो वही है, तो वो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इसे टू पार्ट्स में बनाकर तैयार किया है। तो यहाँ पर हमने कुछ खिलौने भी रखे हैं, तुलसा जी भी रखी है, क्योंकि जो गोपाल जी की पूजा होती है उसमें तुलसा जी ज़रूर होती है। यहाँ पर बलून भी लगाए हैं क्योंकि इनका बर्थडे है। तो इस तरीके से हमने मंदिर को सजाकर तैयार किया है। तो ये बताना कमेंट करके कि आपको मेरा मंदिर कैसा लगा। तो यहाँ पर झटपट से मैं काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आलू बॉईल कर दिए हैं और आलू को अब मैं छील लेती हूँ। तो यहाँ मैं पूड़ी के साथ आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाकर तैयार करूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादातर यही पसंद करते हैं पूड़ी के साथ। वैसे तो मैं आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए जा रही थी, मैंने गोभी काट भी ली थी, लेकिन फिर मुझे लगा चलो आलू और टमाटर की सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर इसी से अच्छे से खाना खा लेते हैं। गोभी मेरे जो बच्चे हैं वो ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो बच्चे हैं उनको ही ज़्यादातर देखना पड़ता है कि वो सही से खाना खा लें, इसलिए मैं यहाँ पर इस तरीके से मैंने फिर आलू को बॉईल करने के लिए रख दिया। आलू बॉईल हो चुके हैं, अब इनको छील लूँगी फटाफट से और उसके बाद आलू की सब्ज़ी मैं एक तरफ बना लूँगी और एक तरफ मैं खीर रख दूँगी बनने के लिए। तो यहाँ पर आलू छील लिए हैं मैंने और अब मैं अपना थोड़ा सा और काम भी कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन मुझे मांजने हैं। बर्तन जो है मैं ज़्यादा इकट्ठे नहीं करती हूँ, जैसे ही दो चार बर्तन होते हैं मैं साथ के साथ मांज कर रखती जाती हूँ, क्योंकि मुझे बुरा लगता है बर्तन जब ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा काम करने के बाद जब भी बर्तन सिंक में होते हैं मैं तुरंत मांज कर उन्हें रख देती हूँ। तो यहाँ पर थोड़े से ही बर्तन थे वो मैं मांज लेती हूँ, उसके बाद मैं सब्ज़ी बना लूँगी। तो फ्रेंड, त्यौहार कोई भी हो घर में बहुत सारा काम हो ही जाता है, क्योंकि त्यौहार के दिन चाहे हम कितना भी जल्दी जल्दी कर लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन समय यूं ही निकलता चला जाता है। और व्रत है लेकिन फिर भी पता नहीं चल रहा बिल्कुल कि व्रत है, क्योंकि दिन कैसे निकल गया बिल्कुल पता ही नहीं चला, सुबह से ऐसे ही रात हो गई। और झूला सजाया, घर की साफ़ सफाई की, फिर खाना दोपहर का बनाया था क्योंकि हमारा ही व्रत है, लेकिन और लोगों के लिए खाना बनाना। फिर उसके बाद में जो है पंजीरी वगैरह बनाई, मंदिर सजाया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो बस यही होता है हम लेडीज़ों के साथ, हमेशा त्यौहार के दिन हम कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हो जाती हैं। तो फ्रेंड, बर्तन भी यहाँ पर मैंने फटाफट से साफ़ कर लिए हैं, तो ये बर्तन का काम भी ख़त्म हो गया, क्योंकि बर्तन अगर पड़े रहते हैं तो मुझे फिर मेरा दिमाग उसी में रहता है कि मुझे बर्तन साफ़ करने हैं। तो बर्तन साफ़ हो जाते हैं तो मेरा बहुत ज़्यादा काम समझ लो हो जाता है। तो अब यह मैं यहाँ पर जो है सब्ज़ी भी बना लेती हूँ फटाफट से। एक तरफ मैंने खीर बनने के लिए रख दी है, तो ये दोनों ही चीज़ भी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो फ्रेंड, यहाँ पर बच्चे भी ट्यूशन से आ चुके हैं और यहाँ पर मंदिर देखकर दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, क्योंकि इनके सामने हमने लाइट नहीं लगाई थी और अब लाइट लगी हुई है, तो दोनों ही देखकर खुश हो गए हैं। तो यहाँ पर ये भी आ गए हैं, क्योंकि यही लेकर आते हैं, बच्चों को यही छोड़कर आते हैं, और अभी छोटे हैं तो हम अकेले भेजते भी नहीं हैं, क्योंकि दूर है इनका जो ट्यूशन है वो दूर है, इसलिए। तो आज मिष्टी को यहाँ पर गुड़ मिल गया है, तो मुझे बता रही है कि मम्मा मुझे गुड़ मिला है, तो देखिए कितनी खुश हो रही है।
तो फ्रेंड यहाँ पर मसाला जो है वो भुन गया है, तो मैं अब इसमें आलू डाल दूंगी। तो आलू को मैं इस तरीके से मैश कर रही हूँ और मैश कर कर मैं इसमें डाल दूंगी। एक तरफ खीर भी मैं देख रही हूँ कि खीर जो है वो बाहर ना निकल जाए, इसलिए मुझे उसे भी चेक करना पड़ रहा है बीच बीच में। यहाँ पर आलू डालने के बाद मैं इसमें पानी डाल दूंगी और इसको चलाकर मैं थोड़ी देर पकने दूंगी, क्योंकि आलू बॉईल किए हुए हैं तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बस एक बॉईल आ जाएगा तो मैं गैस को बंद कर दूंगी। तो यहाँ पर जो दूध मैंने रखा था बॉईल करने के लिए वो भी अच्छे से बॉईल हो गया है। अब यहाँ पर मैं इसमें चावल डाल दूंगी, तो चावल को अच्छे से धो लूँगी। फ्रेंड मैं अक्सर जो खीर बनाती हूँ वो चावल को घी में भूनकर बनाती हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी तो मैंने ऐसे ही जो है दूध को बॉईल कर लिया, उसके बाद ये चावल इसमें डाल दिए हैं धोकर। और मैं इसे अच्छे से अब पकने दूंगी, ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी काट कर। तो बस सादा से ऐसे ही बना रही हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर जो चावल हैं उन्हें पहले घी में फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद उसमें दूध डालती हूँ। तो ऐसे करके बनाती हूँ, बहुत टेस्टी खीर बनती है, लेकिन आज मुझे जल्दी थी तो मैंने ऐसे ही बना ली। तो यहाँ पर सब्जी को भी चेक कर लेती हूँ मैं। तो देखिए सब्जी में बॉईल आ चुका है, लेकिन मैं थोड़ी देर इसे और पका लूँगी ताकि ये अच्छे से थोड़ी सी और पक जाए। और यहाँ पर ये मैं ड्राई फ्रूट भी काट कर तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इसे खीर में डालना है। तो ये यहाँ पर मैंने ग्रेट किया हुआ नारियल ले लिया है, ये मैं खीर में डाल दूंगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है खीर में। तो बस मैं इसको एक बार इस तरीके से चलाकर ढककर पकने दूंगी और गैस का फ्लेम मैं लो कर दूंगी, तो ये आराम से अपने आप पकती रहेगी, क्योंकि जितनी हम लो फ्लेम पर खीर बनाकर तैयार करते हैं वो उतनी ही अच्छी बनकर तैयार होती है। सब्जी बन चुकी थी, सब्जी को भी मैंने यहाँ से उतार दिया है। अब मैं पूड़ी बनाकर तैयार कर लूँगी, क्योंकि मिष्टी खाना मांग रही है, उसको खाना देना है और सभी लोगों को खाना देना है मुझे। बस मेरा और अभी का व्रत है तो हम दोनों रात में ही खाएँगे। तो फ्रेंड मैं अब आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए मैं चलो थोड़ी सी आपसे बात कर लेती हूँ। तो बस मैं बैठी हुई हूँ और अब थोड़ी देर मैं लेटूंगी, और 12 बजने में भी बहुत टाइम है, 9 बजे अभी पूरे 3 घंटे हैं, तो मैं जो है थोड़ी देर लेट जाऊँगी। व्रत है मेरा और 12 बजे के टाइम पर ही पूजा वूजा होगी, तभी देखेंगे। और मंदिर जो है मंदिर सज चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो फ्रेंड 12 बज चुके हैं और यहाँ पर मेरा बेटा जो है लड्डू गोपाल जी को उठा रहा है, और हम लोग अब इन्हें स्नान करा लेते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी का जन्म हो चुका है तो अब हम इनको स्नान कराएंगे। यहाँ पर पंच अमृत से हम इनको स्नान करा लेते हैं, और यहाँ पर दूध दही शहद घी सभी चीज़ों से हम इनका स्नान कराएंगे। तो यहाँ पर हम सब मिलकर पूजा कर लेते हैं। यहाँ बच्चे भी उठ चुके हैं, दोनों सो गए थे, दोनों को ही उठाया है मैंने, और यहाँ पर ये भी सो गए थे, इनको भी मैंने उठाया है। मैं ही जग रही थी बस सिर्फ, क्योंकि मैं अपनी वीडियो का काम कर रही थी तो मैं जग रही थी, और अगर मैं फ़ोन रख देती तो मैं सो जाती, इसलिए मैं सो ही नहीं थी। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए लड्डू गोपाल जी को हम स्नान करा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था, और अब एक अंदर से ना सुकून सा मिलता है पूजा वगैरह करके। यहाँ पर फ्रेंड हमने लड्डू गोपाल को तैयार कर लिया है और अब हम इनकी पूजा आरती शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सभी मिलकर पूजा कर रहे हैं, इनकी आरती कर रहे हैं। तो फ्रेंड यही एक मेरा छोटा सा ब्लॉग था, आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना।